सो हम लोग काफ़ी नर्वस थे, हम लोगों को पता नहीं था हम लोग जीतेंगे या हारेंगे। उन्होंने हमेशा हमको पॉजिटिव वाइब्स दिए आफ्टर परफॉर्मेंस। हमेशा वो यही बोलते हैं कि यू गाइज आर लाइक अनरियल, जिस तरह हमारा नाम है अनरियल क्रू, उनको एज ए मेंटर मानते हैं बिकॉज उन्होंने हमको एक मूवी में चांस दिया। वो हमेशा हंस के बात करते हैं, कभी किसी को नेगेटिव नहीं बोलते। जीतेंगे हम, जीतने के बाद ये करेंगे वो करेंगे कुछ नहीं सोच रहे थे। अब आगे का प्लानिंग हमारा यही है कि हम लोग इंटरनेशनली कुछ करना चाहते हैं। रेस टू फिनाल के लिए हम लोग जब फाइट करना स्टार्ट हुए DID बैटल ऑफ द चैंपियंस में, सो हम लोग काफ़ी नर्वस थे। हम लोगों को पता नहीं था हम लोग जीतेंगे या हारेंगे, बट हम लोगों ने यही सोचा था कि हमको हमारा बेस्ट देना है। अगर हमारी एक परफॉर्मेंस 100 की है तो सेकंड परफॉर्मेंस भी 100 हो, थर्ड परफॉर्मेंस भी 100 हो। इट मीन्स हमारा थॉट यही था, हमारा माइंड सेट यही था कि हम लोग एक से अच्छी परफॉर्मेंस दें। और इसी तरह करते करते हम लोग फाइनल में आ गए, और फाइनल में आने के बाद टॉप 3 हुआ, टॉप 3 का बैटल हुआ। टॉप 3 बैटल होने के बाद हम लोगों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और हम लोग जीत गए, जो हमारे लिए एक मीन्स हमारा सपना पूरा हुआ। हम सबका 6 जाने का सपना पूरा हुआ है हमारा, और स्टिल उन सबका सपना पूरा हुआ है जो लोग हमको सपोर्ट कर रहे थे, जो लोग हमको चाहने वाले हैं, हमारे फैमिली वाले, हमारे जो टीम थी पूरे नॉर्थ के नवाब, उनका सपना पूरा हुआ है। और भी काफ़ी DID के चैनल वाले हम लोगों को सपोर्ट कर रहे थे, वो चाहते थे कि हम लोग जीते, और स्टिल कल रात को हम लोग जीत गए। सो फीलिंग प्राउडली, काफ़ी अच्छा लग रहा है हम लोगों को DID जीत के, और कहीं ना कहीं हम लोगों का सपना पूरा हो गया है, सो फीलिंग गुड। अगर बात आती है करीना मैम की, सो वो हमको काफ़ी अच्छे से सपोर्ट करती है, काफ़ी क्यूटली सपोर्ट करती है। उन्होंने आज से आज तक हमको कभी बैड कमेंट नहीं दिए, उन्होंने हमेशा हमको पॉजिटिव वाइब्स दिए आफ्टर परफॉर्मेंस। हमेशा वो यही बोलती है कि यू गाइज आर लाइक अनरियल, जिस तरह हमारा नाम है अनरियल क्रू। वो हमको ऑलवेज यही कमेंट देते हैं कि तुम लोग अनस्टॉपेबल हो और अनरियल हो। बॉस को सर जब हम लोग DID में आए थे तो वो हमको एज ए जज मिले थे, बट वो अब हमको एज ए मेंटर, हम उनको एज ए मेंटर मानते हैं बिकॉज उन्होंने हमको एक मूवी में चांस दिया कि आप लोग हमारे साथ काम करो मूवी में, और हमारे साथ मूवीज़ कोरियोग्राफ करो, आप लोग सब लोग 6 जन पूरा अनरियल क्रू हमारे साथ में काम करो। सो मीन्स वो हमारी तरह एज ए मेंटर है, एज ए सर है, एज ए लाइक ए फादर की तरह है, बड़े बड़े ब्रदर की तरह है। सो काफ़ी अच्छी बात है, हम उनसे एज ए जज मिले थे और अब वो हमारे लिए एज ए मेंटर हो गए, सो काफ़ी अच्छी बात हमारे लिए ये। रफ्तार पाजी बहुत पॉजिटिव बंदे हैं, वो हमेशा हंस के बात करते हैं, कभी किसी को नेगेटिव नहीं बोलते, और इट मीन्स वो उनके अंदर एक पावर है, उनको देखते ही ऑटोमेटिकली पावर आती है, अच्छा परफॉर्म करने का मन करता है, गुड वाइब मिलती है उनसे। और वो ही ऐसे बंदे कि उनके सामने आप अगर आप परफॉर्म करोगे तो अच्छा ही परफॉर्म होगा आपसे। एक्चुअली जो लास्ट के डेज थे हम लोग के शो के, वो पूरे बहुत ही नर्वसनेस में गए, क्योंकि ऑब्वियसली फिनाले था, लेकिन उम्मीद थी अंदर कि हम लोग जीतेंगे। बस मेहनत करते गए, कुछ नहीं सोच रहे थे कि हम लोग जीतेंगे, हम जीतने के बाद ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं सोच रहे थे, सिर्फ करते गए। स्टार्ट से फर्स्ट एपिसोड से फर्स्ट वीक था तब से हम लोग सिर्फ करते गए, और लास्ट में हम लोग जीत गए। काफ़ी सारे स्टार्स आए डांस इंडिया डांस में, बट स्पेशली जब सोनम कपूर आई थी तो उन्होंने हम लोग का परफॉर्मेंस देखा, और परफॉर्मेंस के सडन बाद में बोला कि बॉस को सर अनरियल क्रू को आप मेरी मूवी में लाइए और मेरे साथ में डांस करवाइए। तो वो बहुत प्राउड मोमेंट था हम लोग के लिए। एक और ऐसा मोमेंट था, कपिल देव सर आए थे जैसे, और उस दिन पेट्रियोटिक स्पेशल था DID में, तो उस दिन हमने जो एक्ट किया था उसके ऊपर कपिल सर इतने इंप्रेस हो गए थे, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मतलब इस एक्ट को अगर मैं जज होता तो मैं 100 नहीं 500 मार्क्स देने को रेडी हूँ, कि ऐसा एक्ट मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा। और वो बहुत मतलब मेमोरेबल हो गया था हमारे लिए और उनके लिए भी। तो जैसे कि हमने अभी DID तो कंप्लीट कर दिया है और इसमें हम विनिंग भी हो गए हैं, अब आगे का प्लानिंग हमारा यही है कि हम लोग इंटरनेशनली कुछ करना चाहते हैं, तो उसी की कोशिश है और उसी की प्रैक्टिस अब स्टार्ट कर देंगे।